कि आप भिखमंगा किस जाति को कहते हो। हम किसी जाति को नहीं कहते भाई, हम मोदी को भिखमंगा कहते हैं। अपने आप मोदी ने स्वीकार करा था कि मैंने 35 साल तक भिक्षा मांग के खाई है। हम उसकी निंदा भी करते हैं। और याद रखे, कहा मेवात जाके मारने की बात करते थे, किसी ने मां का दूध पिया है खड़े मुसलमान, टोक के दिखा दो। हमारी प्रार्थना है पूरी भारत सरकार से और हरियाणा सरकार से, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दंगे का दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। सिर्फ दंगे का प्रोग्राम है ताकि पूरे देश की, आज पूरे उत्तर भारत की नजर इस पंचायत पर लगी हुई है कि वहां लगभग 25-30 खापों के अध्यक्ष पहुंचे हुए हैं, सभी किसान संगठन पहुंचे हुए हैं, हमारे प्रदेश के सभी मुस्लिम बड़े चेहरे पहुंचे हुए, हमारे प्रदेश के सभी सिखों के बड़े चेहरे पहुंचे हुए, तो वहां क्या प्रस्ताव पास होगा? हम भारतवर्ष के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी पंचायत में प्रस्ताव पास करते हैं कि हम किसी भी धार्मिक व जातीय दंगे में हिस्सा नहीं लेंगे। क्या आप इस बात से सहमत हैं? मेवात में हुए दंगों में हम शांति बहाल करने के लिए काम करेंगे। क्या आप इस बात से सहमत हैं? हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार इस मामले में निष्पक्ष जांच करे और जो भड़काऊ भाषणों की वीडियो जो आ रही थी, चाहे किसी की भी थी, सबसे ज्यादा भड़काऊ वीडियो बिट्टू बजरंगी नाम से कोई आदमी उसकी आई, और जिस आदमी को तो 302 का मुलजिम है, राजस्थान से 2 नौजवान लड़कों को उठा करके भिवानी जिले में ला करके जिसने जिंदा जला दिए, पूरा मेवात जिनको दोषी मानता है उसने कहा मैं मेवात में आऊंगा। ये सबसे बड़े दंगे के भड़काने के कारण है। इसलिए हमारी मांग है इनके सहित अगर किसी और ने भी, आज भी अगर किसी ने वीडियो गलत डाली या किसी ने किसी समाज को धमकी दी कि हम उनको वहां नहीं रहने देंगे, सबको सबके खिलाफ कार्रवाई हो, सबकी गिरफ्तारी हो। क्या आप इस बात से सहमत हैं? हम किसी भी जाति के खिलाफ टिप्पणी नहीं करेंगे। कुछ भाइयों ने, मैंने एक सवाल बोला था कि इन भिखमंगों का बुखार लाग के हम अपने प्रदेश को नहीं जलाने देंगे। बहुत कुछ भाइयों ने उस बात को मोड़ देना चाहा कि आप भिखमंगा किस जाति को कहते हो। हम किसी जाति को नहीं कहते भाई, हम मोदी को भिखमंगा कहते हैं। अपने आप मोदी ने स्वीकार करा था कि मैंने 35 साल तक भिक्षा मांग के खाई है। इसलिए हमने उसको कहा था इस भिखारी के बाता मनाओ, हमने अपना प्रदेश बचाना है, अपना देश बचाना है। इनमें प्रार्थना करूंगा साथियों। एक और बात भाई, वे भाई कई गांवों में झूठी अफवाह फैलाओ है। इपे मेरे एक साथी ने व्हाट्सएप दिखाया, फेसबुक पर डाला कि ये फलाने गांव ने मुसलमान की एंट्री बैन कर दी, मुसलमान हमारा गांव में नहीं पड़ेगा। खापड़े तो सारे आड़े खड़े हैं, सिख भाई आड़े खड़े हैं, मुस्लिम भाई आड़े खड़े हैं, किसान संगठन आड़े खड़े हैं। ये प्योर झूठ है भाई, और हम उसकी निंदा भी करते हैं। और याद रखे, कहा मेवात जाके मारने की बात करते थे, किसी ने मां का दूध पिया है खड़े मुसलमान, टोक के दिखा दो। सारी खापे जुम्मेवार है, हम अपने देश और प्रदेश को किसी भी हालत में जड़ने नहीं देंगे। मेरे पे कहा भाई बोला यू बड़ा ठेकेदार बने हैं, भाईचारा ने बना रखे हो ठेकेदार, तना कड़ा उबाल मारा है नहीं, जाके मेवात में कर ले जो ही जानता हो। कमेंट करने से कुछ नहीं होता, काम करने से होता है। हमारी प्रार्थना है पूरी भारत सरकार से और हरियाणा सरकार से
निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दंगे का दोषी पक्षा नहीं जाना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सिर्फ दंगे का दोषी। इन्हीं बातों के साथ मैं माफी चाहूंगा, दो एक मिनट ये किसान सम्मेलन बुलाया था, पंचायत मेरी माफी चाहूंगा, बहुत से बूढ़े प्रधान है, गर्मी मार दिए, इनते भी सरदार भाइयों से भी और आपते भी दो एक मिनट हमारी प्रार्थना है, आप अब किसान मुद्दा पर हमारी दो एक बात सुनकर जाओ, आप सारे बैठ जाओ।